सो वेल गाइज, हे गाइज, दिस इज लाल मोहन। फिर दोबारा मैं आप लोग के साथ आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज हमारा इंग्लिश स्पोकन की क्लास डे डे 17 है। क्लास में 17 में जो सीखने वाले हैं बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम आज पहुँचने वाले हैं। ठीक है गाइज, आज हम एडवांस लेवल तक पहुँचने वाले हैं। सो मैंने 16 क्लास मैंने आपको करवा दी है और आई होप आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से देखी होगी और अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, सो मैंने बेसिक चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी। अब यहाँ से एडवांस लेवल से आप हमारा जो इंग्लिश स्पोकन जो क्लास हो रही है वो एडवांस लेवल तक हमारे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल पे धीरे 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 हम लोग पहुँच रहे हैं। सो गाइज, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं ज़्यादा देर न करते मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। तो आज जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ गाइज, वो हैव के ऊपर। यस, वो हैव के ऊपर बात करूंगा आज। जैसे कि आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, यह जो हैव है हम धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, आज हम हैव को यूज करना आपको सिखाएंगे। हैव का मतलब होता है हमारे पास कोई भी चीज, कोई भी थिंग है। ठीक है, हमारे पास कोई भी चीज है, पास है। हैव का मतलब होता है पास होना, कोई भी चीज हमारे पास है। ठीक है, सो इसमें हम कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव या अनकंटेबल या कंटेबल रहे, कोई भी चीज़ हमारे पास वो चीज़ें है। ठीक ना, तो उसके साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। ओके, हैव का ही मतलब हो जाता है हमारे पास कोई भी चीज़ें है। ओके, जो चीज़ें हमने कोई भी चीज़ हासिल करके रखी हो या हमारे पास प्रेजेंट में हो, तो उसके साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। ओके, चलिए एक एक चीजें एग्जांपल के थ्रू से हम लोग जान लेते हैं। ठीक, जैसे कि सबसे पहले हम पेन से शुरुआत करेंगे गाइस, क्योंकि अभी हमारे पास दो दो पेन पड़े हुए हैं, दो दो कलमे पड़े हुए हैं। सो हम आज यहीं से शुरुआत कर देते हैं, हैव से। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, हैव वहां यूज करेंगे जो चीजें हमारे पास कुछ भी है उसके साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। हैव यूज करेंगे, ठीक है। सो मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई हैव अ टू व्हीलर, मेरे पास एक टू व्हीलर है। आई हैव अ फोर व्हीलर, आई मेरे पास एक फोर व्हीलर है। आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। आई हैव अ चेयर, मेरे पास चेयर है। आई हैव अ मशीन, मेरे पास एक मशीन है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, एक सोच है। आई हैव, सो ऐसे सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे आई हैव के साथ। ठीक है, आपके साथ दुनिया में, दुनिया की कोई भी चीज आपके पास हो, दुनिया में कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज आपके पास हो, जो चीजें आपने हासिल करके रखी हो या आपके पास पहले से कोई चीज पड़ा हुआ है, जो चीजें आपने प्रेजेंट में हासिल करके रखी हो और जो चीजें पहले से पड़ा हुआ हो आपके पास, उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। जैसे आई हैव अ डिग्री, मेरे पास एक डिग्री पड़ा हुआ है, वो भी डिग्री हमने पहले हासिल करके रखी है। सो बोलेंगे आई हैव अ डिग्री, मेरे पास एक डिग्री है। अब क्या चीज की डिग्री है वो बोल सकते हो, डिप्लोमा की, बैचलर की, इंजीनियर की, बीटेक की, कोई भी डिग्री उस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो आई हैव के साथ हमने ये जाना कि आई हैव के साथ कोई भी दुनिया, दुनिया की कोई भी चीज आपके पास हो प्रेजेंट में, उसके साथ आप हैव यूज करोगे। अनकंटेबल चीज रहे या कंटेबल चीज रहे, उसके साथ आप हैव का यूज कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट दिस दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल और हम लोग सेंटेंस कुछ बना लेते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ बॉट, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ मशीन, आई हैव अ टॉवल, आई हैव अ हैंडकरचीफ, आई हैव अ
I have a two hands. I have a fingers. I have a many fingers. I have a many fingers. I have a two hands. I have a one mouth. I have a two eyes. Okay. I have a two eyes. I have a many hairs. Many hair. I have a shirt. I have a pant. I have a basket. I have a bat. I have a boy. I have a girl. I have a girlfriend. I have a boyfriend. I have a brother. I have a sister. I have a mother. I have a father. I have many friends. ये सारी चीजें आप I have के साथ यूज कर सकते हो, बता सकते किसी को कि मेरे पास ये है प्रेजेंट में, मैंने ये हासिल करके रखी है, मैंने ये हासिल करके रखी है, मेरे पास ये चीजें हैं, तभी तो उसके साथ हम लोग हैव यूज किए हैं। ठीक है, ये आपका आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हो जाती है गाइस कि जो चीजें आपके पास नहीं है, यस यस, जो चीजें आपके पास नहीं है उसके साथ आपको कैसी बनानी है, उसके साथ आपको नॉट यूज करनी है। और जैसे हम लोग नॉट यूज करेंगे इसके साथ आ जाएगा डू। ओके, जो भी चीज आपके पास नहीं है उसके साथ डज नॉट यूज करें, डोंट यूज करें, डू नॉट यूज करें, डू नॉट के साथ हम लोग इसको बनाएंगे कि वो चीज, वो थिंग मेरे पास नहीं है, प्रेजेंट में वो चीज हमारे पास नहीं है। चलिए एक एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले पेन से शुरुआत किए थे, तो पेन से भी हिस्से में डज नॉट के साथ, मतलब डोंट के साथ भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आई डोंट हैव अ पेन, क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है, कलमे नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव एन आइडिया, आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, आई डोंट हैव अ डॉग, आई डोंट हैव अ कैट, डू नॉट को हम लोग डोंट बोल सकते हैं। ओके, शॉर्टकट, ये फॉर्म की शॉर्टकट है। जैसे आपके पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव बॉयफ्रेंड, आई डोंट हैव सम मनी, वो चीज़, वो थिंक आपके पास नहीं है और आप बोलते हैं कि हमारे पास शर्ट नहीं है, आई डोंट हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट नहीं है, आई डोंट हैव अ शर्ट। सो आई होप मैं जितनी भी सारे सेंटेंस, जितने भी सारे वर्ड मैं बोल रहा हूँ आपको पूरे पूरे समझ में आते होंगे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसी है, समझाने की स्टाइल कैसी है। मैं पहली बार YouTube पे आपको इंग्लिश स्टूडेंट की क्लास दे रहा हूँ, सो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव अ वर्क, जो भी चीज़ आप थिंक देख रहे हो घर में, देखो पढ़ो, आई डोंट हैव अ बैग, आई डोंट हैव अ पैंट, आई डोंट हैव अ शर्ट, यूज करो, बोलो बर्थडे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में यूज करते चलो, कैसे नहीं आएगी इंग्लिश में देखता हूँ। आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखो ना, एक बार में समझ में नहीं, तीन तीन बार देखो, देखता हूँ इंग्लिश नहीं आती है, आपसे ज्यादा बड़ा इंग्लिश नहीं है, आपसे ज्यादा ताकतवर इंग्लिश नहीं है। आप चाहोगे तो उसको मिनटों में, चुटकियों में समाप्त कर सकते हो। ठीक है, सो यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट पर्सन एंड यू कैन डू इट, we can do it, so never give up, you can do it, you are the best person, so please don't waste time only for time used on study। Okay, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी भाई। कुछ भी, जैसे आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो सो बोलो I don't have your mobile number, आपका मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है, या आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, I have your mobile number. वो मेरे पास नहीं है, she doesn't have. वो मेरे साथ नहीं है, she doesn't have with me. Okay?
कुछ भी, लड़का रहे लड़की रहे कोई भी थिंक रहे उसके साथ आप यूज करो, नहीं है तो नॉट, डो नॉट यूज करो, है तो हैव के साथ बना दो। ओके, सो आई होप मैंने जितने भी सारे सेंटेंस बताया आपको समझ में आए होंगे। गाइस प्लीज हमारी वीडियो मुझे जरूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करके, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिए और आगे आप लोग बढ़ते रहिए, मैं हमेशा आप लोग को सजेस्ट करते रहूँगा। सो गाइज फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले टाइम पर मिले। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आप लोग से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक टेक।